फिजिक्स में हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डायमेंशनल फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो आई थिंक हमने दो एप्लीकेशन कंप्लीट की थी। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने करी थी टू कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनादर, एंड द सेकेंड हमने बात करी थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने सेकेंड एप्लीकेशन की बात करी थी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए बेटा, बड़ा ही आसान टॉपिक है। अगर इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। आप LHS का लो चाहे RHS, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, तो अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। बेटा दोनों सेम आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आपको चेक द करेक्टनेस ऑफ हाफ MV² इक्वल्स टू MGH। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने इस बारे में डिस्कशन भी कर लिया था और ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। मैं एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, आप लोग 11th क्लास में हो, आपको बार बार रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहीं से बेस बनाते हुए हम आगे कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू हम करते हैं। तो देखिए, हाफ MV² इक्वल्स टू MGH, आप सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे LHS का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS। यहां से LHS है हाफ MV², तो हाफ MV² की बात करूं तो मास का m, वेलोसिटी का l अपॉन t का होल स्क्वायर, दैट इज m1 l2 t-2। सेम हम RHS की बात करते हैं तो RHS है आपका MGH। वोट इज m, मास, वोट इज g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वोट इज h, हाइट। तो m तो मास है आपका, तो मास का तो आप समझ गए बिल्कुल इजीली वे में कि मास का सर डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m, g यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन चाहे दुनिया में कोई भी हो सर एक ही होता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मतलब एल अपॉन टी का स्क्वायर, और एच यहां पर हाइट है एल। सो m1 l1 l2 t-2, आप देख सकते हो कि दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम मिला है, मतलब LHS और RHS सेम है। सो इक्वेशन आपकी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है, आप आसानी से इजीली वीडियो देखकर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे? सर अगर इक्वेशन करेक्ट है तो आप LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। अच्छा, कैसे निकालना है वो हमारे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखिए, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। अगर दोनों का सेम है तो इसका मतलब इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, चलो जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी बेस पर। हाँ जी, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at।
Here v is velocity final, u is initial velocity, a is the acceleration and t is the time taken. आपको v velocity final velocity है तो LHS लेते हैं पहले. LHS का मतलब velocity और velocity का मतलब पता है length upon time, meter upon second. So m0 l1 t minus 1. Same RHS लेते हैं u plus AT, u यहाँ पर वेलोसिटी है मतलब लेंथ अपॉन टाइम, एसिलरेशन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, t इज द टाइम. आप देखिए ये भी m0 l1 t माइनस 1 और ये भी l अपॉन t मतलब m0 l1 t माइनस 1. यहाँ पर आप मेरी बात को याद करना, दो क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती है जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो और सबसे बड़ी बात आंसर का डायमेंशन भी वही होगा. मीटर में मीटर ही ऐड होगा और रिजल्ट भी बेटा मीटर में ही मिलेगा. तो यहाँ पर अगर मैं m0 l1 t माइनस 1 को m0 l1 t माइनस 1 के साथ ऐड करूंगा तो आपको आंसर का डायमेंशन भी m0 l1 t माइनस 1 मिलेगा. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की कोशिश करना. दो क्वांटिटी जीवन में तभी ऐड हो सकती है व्हेन दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, अदरवाइज दे कांट बी एडेड. क्लियर है बात? तो मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर जब भी दो क्वांटिटी एडिशन में दे रखी है इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए. ये प्रॉपर्टी हम आगे क्वेश्चंस में यूज लेंगे. ठीक है, यहां से आप देख सकते हो LHS एंड RHS दोनों का डायमेंशन सेम है. तो LHS और RHS का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इक्वेशन आपकी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है. तो यहां से हम देख सकते हैं इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं. अब सुनियो मेरी बात. तो यहां से मैंने v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हमने करेक्टनेस को चेक कर लिया. इसी तरह एनी वेयर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. मैं थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज करता हूँ और पैटर्न चेंज करके फिर आपको एक नया क्वेश्चन लेके बात करते हैं. तो अब की बार मैंने क्वेश्चन उठाया बेटा f इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी. Find dimensional formula of A and B. Here F यहाँ पर आपको given है force है, X यहाँ पर given है distance है और T यहाँ पर given है time है. बेटा सारी parameter आपको पहले से clear होंगे. आपका question ये equation तो पहले से correct है, आपको correctness check नहीं करना है. आपको equation given है और given equation के base पर आपको A और B का dimension find करना है. तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो यहां पर मैं वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज में लूंगा. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब कि दो क्वांटिटी सर तभी ऐड हो सकती है जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो और आंसर का डायमेंशन भी सेम आना चाहिए. मतलब ए रूट एक्स और बी टी स्क्वायर सर तभी ऐड हो सकते हैं, अभी हमने देखा तभी ऐड होंगे व्हेन दे हैव सेम डायमेंशन. मतलब ए रूट एक्स और बी टी स्क्वायर दोनों का डायमेंशन सेम होगा और यही डायमेंशन किसका होगा, फोर्स का. तो यहां से हम देख सकते हैं a रूट एक्स बी टी स्क्वायर का डायमेंशन f के इक्वल होना चाहिए. अलग अलग उठा लो, a की वैल्यू f अपॉन रूट एक्स, b की वैल्यू f अपॉन t स्क्वायर. यहां से फोर्स का m1 l1 t माइनस 2, अंडर रूट एक्स की बात करूं मतलब l की पावर हाफ, यहां से m1 l की पावर हाफ t माइनस 2. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a. सेम अगर b का निकालना है तो बोलिए f का m1 l1 t माइनस 2 अपॉन t का स्क्वायर मतलब m1 l1 t माइनस 4. इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b. बताइए कोई प्रॉब्लम आपको? तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत आने वाली बात थी, क्योंकि मैंने आपको जो प्रिंसिपल सिखाया उस प्रिंसिपल पर आपको ध्यान देना है. क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है. दो क्वांटिटी को आप तभी ऐड कर सकते हो, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों का डायमेंशन सेम हो. तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन गिवन था एफ इक्वस टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर. अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इन दोनों का डायमेंशन कैसा होगा, सेम होगा और यही डायमेंशन किसका होगा, फोर्स का. तो मैंने तीनों के डायमेंशन को सेम किया, अलग अलग इक्वेट किया और ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट किया. आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा. हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं.
देखिए बेटा कहीं दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत डाइमेंशनल फॉर्मूला आप निकालने की प्रैक्टिस करते रहिए, और अब मुश्किल से स्पीड हम पकड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिलेबस बहुत ही ऑनगोइंग फास्टली चलेगा, तो आप प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब बात करते हैं आगे, मैंने आपको क्वेश्चन दिया पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। देखिए इक्वेशन बहुत अजीब लग रही है सर, पहली बार देखिए, इट इज कॉल्ड गेस इक्वेशन। ये किसी भी गेस की इक्वेशन है जो वांडरवाल ने दी थी, वांडरवाल गेस इक्वेशन। पी यहाँ पर प्रेशर है, वी यहाँ पर वॉल्यूम है, टी यहाँ टेम्परेचर है, आर यहाँ कॉन्स्टेंट है। तो मैं लिख भी देता हूँ, पी यहाँ पर प्रेशर है, और याद कीजिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, हमने इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रखे, और अगर किसी चीज़ का नहीं निकाल रखा तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो यहाँ बात करते हैं, पी प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, आर यहाँ पर गेस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गेस कांस्टेंट जो आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में हम सीख लेंगे, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, ओके। आपको इन चीज़ों का तो रोल भी काम नहीं आएगा, इसलिए परेशान मत हो, ना आर काम आने वाला ना टी काम आने वाला। और बेटा होते क्या है, ये तो पूरा साल हमको पढ़ना ही है ना, तो कहाँ दिक्कत वाली बात है। आप सिंपल ध्यान दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने पर, और कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। दो क्वांटिटी तभी ऐड होगी जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, मतलब एक बात क्लियर है कि सर P और A बाई वी स्क्वायर दोनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए, मतलब यहाँ से A की वैल्यू पी वी स्क्वायर, पी का फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम का मतलब आप समझ गए मीटर क्यूब का स्क्वायर, फोर्स का एम वन एल वन टी माइनस टू, ये एल की पावर सिक्स, और एरिया आपको पता है एल स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड, तो ये आपका हो गया एम वन, वन और सिक्स सेवन, सेवन में से टू गया फाइव, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा ए का। सेम अगर मैं बी का निकालूंगा तो बी का भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बी का, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो वॉल्यूम का है, क्यों, दो क्वांटिटी तभी सब्ट्रैक्ट होंगी जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, तो यहाँ से वॉल्यूम का एल क्यूब। बोलिए बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, और क्यों हमने वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले थे उसका कारण भी मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसी एप्लीकेशन पर बेस लेते हैं और फिर चैप्टर को एंड करते हैं थर्ड एप्लीकेशन के साथ। आपको क्या करना है, ऐसी भी बुक खरीदनी है, ऐसे भी बुक खरीद कर उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के नाम से आएगी फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स वाले चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन है, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। अदर कोई आपके पास सोर्सेज हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, देन फिर हम जब भी डाउट सेशन लेंगे या ऑफलाइन भी लेंगे मैं आपके सारे डाउट्स आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन एक और लेते हैं बेटा, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हेयर y इज इन मीटर, मतलब y क्या है बेटा लेंथ, ओमेगा या t इज द टाइम, मतलब सेकंड में मेजर कर रहा हूँ, एंड x इज ऑल्सो इन मीटर। आप समझिए y भी मीटर में, मतलब ये डिस्टेंस है, t सेकंड में, मतलब ये टाइम है, और x यहाँ पर डिस्टेंस है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a ओमेगा एंड k। आपको a का, ओमेगा का और k का, इन तीनों का क्या फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, आइए सबसे पहली चीज जीवन में ध्यान रखना, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सर ये सब क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। आपको पता हो तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गया, बोलो डायमेंशन लेस। मतलब जीवन में ध्यान रखना कि ये चीज हमेशा डायमेंशन लेस है,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ऑल आर द डाइमेंशनलेस। तो ये पैरामीटर बेटा डाइमेंशनलेस है। और साइन के अंदर क्या आता है? एंगल। और एंगल तो वैसे भी हमेशा कैसा है बेटा? डाइमेंशनलेस। तो यहां से हम जान सकते हैं ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये बेटा डाइमेंशनलेस होगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अच्छा, दो क्वांटिटी कब ऐड होंगी? जब दोनों का डाइमेंशन कैसा हो? सेम। मतलब ओमेगा टी भी एम जीरो एल जीरो टी जीरो एंड के एक्स भी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। यहां से ओमेगा का निकालना है टी, मतलब टाइम का डिवाइड कर दो, तो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। सेम यहां से के का निकालना है, एक्स का डिवाइड कर दो, वॉट इज एक्स? लेंथ। लेंथ का डिवाइड करूंगा तो आप समझ गए एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो। ये लीजिए भैया ओमेगा का और के का डाइमेंशनल फॉर्मूला। अब किसका निकालना है? ए का। तो सर ये पूरा तो डाइमेंशनलेस है, तो वाई और ए का डाइमेंशन कैसा होगा? सेम होगा। अगर ये पूरा डाइमेंशनलेस है तो इसका मतलब ए और वाई का डाइमेंशन कैसा है? सेम है। तो यहां से ए का डाइमेंशनल फॉर्मूला वही है जो वाई का है, मतलब वाई यहां पर मीटर मतलब क्या है? लेंथ है। तो हम लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी जीरो। बोलिए बेटा कोई प्रॉब्लम हो। ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन थी। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, रिपीटेडली जितने मेरे दिमाग में थे उतने मैंने आपको करवा दिए। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा थर्ड एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डाइमेंशनल फॉर्मूला यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे एरर्स की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही आना है एरर्स से, तो एरर्स की बात करेंगे। अभी हम इसको एंड करते हैं लास्ट एप्लीकेशन पढ़कर, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि चलो एक चैप्टर तो हमने कंप्लीट किया। ठीक है जी, तो अगली क्लास में हम मेजरमेंट और एरर की बात करेंगे। अलग अलग यूनिट्स के बारे में और बताऊंगा आपको। डिस्टेंस की बहुत सारी यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट मास की क्या होती है, सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, इन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस अगली क्लास में जरूर करवाऊंगा। आप देखिए आज की क्लास के अंदर आगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन के बाद अगली एप्लीकेशन आपकी आती है बेटा थर्ड नंबर, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू derive relationship between physical quantities। आपको physical quantities के बीच में relation को derive करना है। To derive the relationship between various physical quantities, कैसे derive करेंगे relation को? तो आप देखिए, if we know that our quantity depends on which quantities, then we can establish the relation। We can establish the relation। अब देखिए एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है जो आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में भी आपको गिवन मिलेगा। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सब जानते होंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में, जो नहीं जानता उसको मैं समझा देता हूँ। सिंपल पेंडुलम का मतलब एक रिजिड सपोर्ट से आपने एक स्ट्रिंग से एक बॉब को बांध दिया, ये अटैच कर दिया, और अगर मैं बॉब को थोड़ा भी डिस्प्लेस करूँगा तो ये बॉब क्या करेगा? ये बॉब SHM करेगा, मतलब ऑसिलेट करेगा। इट इज़ कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। टेंथ क्लास में ऐसा डायग्राम भी आपने देखा होगा, और इलेवंथ क्लास में भी जैसे जैसे हम एंड पर पहुंचेंगे हम बहुत सारे पेंडुलम देखेंगे। तो सिंपल पेंडुलम है, हमें तो बहुत सारे पेंडुलम देखने हैं। तो ये सिंपल पेंडुलम है, ये आपने एक लेंथ ली स्ट्रिंग L, ये बॉब है, बॉब का मतलब एक पॉइंट मास है, इसका मास मैं एम मान लेता हूँ, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी मान लेता हूँ, और एक वाइब्रेशन पूरा करने में जो टाइम लगा दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देखिए बेटा, क्वेश्चन तो मेरे जो माइंड में है वो मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, मेथड एक रहेगा। मेरे पास कोई बुक्स या आपने डाउट नहीं दिए हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके समझ में आ सकता है, और सबसे छोटा एग्जांपल है और सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो ये बहुत ही फेमस और सिंपल एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है टाइम पीरियड का। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, ये आपका क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है बॉब के मास पर। बॉब का मतलब वो पॉइंट मास जिसको हम ऑसिलेट करवा रहे हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जिससे आपने रस्सी से बांध रखा है उसकी लेंथ एल है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। सर, रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एज्यूम करना है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और ग्रेविटी की पावर सी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो उसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम मान लेंगे कि ये टाइम पीरियड मास की पावर ए के प्रोपोर्शनल है, लेंथ की पावर बी के प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की पावर सी के प्रोपोर्शनल है। बेटा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट राइज होता है। ये बात जिन बच्चों को नहीं पता वो परमानेंटली दिमाग में बिठा लीजिए। आपने टेंथ में भी सुना होगा ऐसा, वी प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया गया। तो जब भी जीवन में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है बेटा, एक कांस्टेंट आता है। आप 11th क्लास में आ चुके हो, ये बातें अब आपको बार बार ना बतानी पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जीवन में जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो आप याद कीजिए अभी सेकेंड एप्लीकेशन, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग दे दीजिए। बोलो बेटा, टी का डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी वन के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। एम क्या है? मास, तो मास की पावर ए, एल क्या है? लेंथ, और जी है एक्सीलरेशन, मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहां से एम जीरो एल जीरो टी वन इक्वल्स टू एम की पावर ए, लेंथ की पावर बी, लेंथ की पावर सी, व्हेन द बेस आर इक्वल पावर विल बी एडेड। तो एल की पावर हो गई बी प्लस सी, समझ सकते हो बात को? बिल्कुल, एक जगह लेंथ की पावर बी लिखा हुआ है, एक जगह लेंथ की पावर सी, और बेस इक्वल है तो पावर क्या होंगी, एड हो जाएंगी। तो एल की पावर हो गई बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी। कंपेयर कर लो, यहां एम की पावर जीरो है, यहां एम की पावर ए, तो ए की वैल्यू जीरो आ गई, बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया बोलो, जीरो के, माइनस टू सी किसके इक्वल आ गया, वन के। यहां से ए की वैल्यू जीरो है, सी की वैल्यू यहां से देख लीजिए माइनस का वन बाई टू, और बेटा सी की जगह अगर माइनस वन बाई टू पुट करूं तो बी माइनस हाफ इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू आ गई हाफ। ये आपने ए बी सी तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्वेश्चन आपका 90% कंप्लीट हो गया। अब आपको ए बी सी की वैल्यू यहां पर पुट आउट करनी है, तो रख के देख लीजिए क्या आंसर मिला, के एम की पावर जीरो, एल की पावर हाफ, जी की पावर माइनस हाफ। बेटा, किसी की भी पावर जीरो हो वो वन होता है, किसी की भी पावर हाफ हो इसका मतलब अंडर रूट होता है, और पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल में जाके पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर है बात? तो यहां से के बोलो एम की पावर जीरो वन, ये अंडर रूट एल, और ये जी की पावर माइनस हाफ नीचे जाके कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। बेटा, पावर जब भी रेसिप्रोकल में जाती है पॉजिटिव। मैं क्यों समझा रहा हूं ये सब बातें, आपने 9th 10th में पढ़ी है, बट बच्चे जनरली भूल जाते हैं, और जब तक बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम चैप्टर तो समझ ही नहीं सकते। तो आप समझिए, ये नीचे जाएगा तो अंडर रूट जी हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन बनी के अंडर रूट एल अपॉन जी। एक और बात, ये डायमेंशनल फॉर्मूला की कमी है कि हम इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो क्वेश्चन में आपको अगर k की वैल्यू पहले से गिवन है, जैसे मान लेते मैंने k की वैल्यू आपको पहले से दे दी 2π, तो आप एंड में पुट करके आंसर बता दीजिए, द टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट l बाई g। आप देखिए बेटा, ये जो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन है, हम चैप्टर के लास्ट बिल्कुल SHM में कैलकुलेट करेंगे, SHM के टाइम पर हम ये निकालेंगे, लेकिन तब हम फिजिक्स को यूज में लेके निकालेंगे। आज हमने डाइमेंशनल फॉर्मूला से निकाल दिया, तो आप देखिए कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। हम एक बार अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हम उनके बीच में रिलेशन को स्टेब्लिश कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पर, डाइमेंशनल फॉर्मूला के बेस पर। ओके, तो आप देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा। ओके, द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, सबने सुना है नाम साउंड वेव का, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गेस डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑफ गेस एंड डेंसिटी ऑफ गेस। Determine expression of velocity of sound wave। कोई भी रिलेशन बना सकते हो, XYZ, ये तो मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने लिख दिया। साउंड वेव की वेलोसिटी वो डिपेंड कर रही है बेटा प्रेशर पर एंड डेंसिटी पर। आपको रिलेशन बनानी है वेलोसिटी की, फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है, और डायमेंशनली जो कांस्टेंट आता है उसको आप 1 मान के चलिएगा। सेम, लेट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर पी की पावर ए, डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, याद कीजिए रो की पावर बी, प्रोपोर्शनल मान लीजिए कांस्टेंट आएगा के P की पावर A, रो की पावर B। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो दोनों साइड का डाइमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो बताइए वेलोसिटी का डाइमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, m0 l1 t-1 k, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, पी प्रेशर, प्रेशर का मतलब आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का m1 l1 t-2, एरिया का l2, पहले भी निकलवा चुका हूँ, ये सिर्फ रिपीटेशन आपको दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। m1 l-1 t-2 पुट कर लीजिए, m1 l-1 t-2 पावर a, और डेंसिटी का मतलब सबको पता है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन l3, मतलब m1 l-3 की पावर b। कुछ नहीं किया, प्रेशर का डायमेंशन लिख दिया, रो का डायमेंशन लिख दिया, के का कोई डायमेंशन आपको नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। यहाँ से m0 l1 t-1 इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर -a, t की पावर -2a, और m की पावर b, l की पावर -3b। यहाँ से m0 l1 t-1 m की पावर a प्लस बी, एल की पावर -a -3b, t की पावर -2a कंपेयर कर लीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू बेटा 0 है, -a -3b की वैल्यू 1 है, -2a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू यहाँ से हाफ मिली, a की जगह हाफ पुट करें तो b की वैल्यू -1/2 हो गई, और अगर ये दोनों वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो वेलोसिटी मिल गई k
पी की पावर हाफ और रो की पावर माइनस हाफ। यहाँ से के अंडर रूट पी और अपॉन रो, समझ गए? पावर हाफ का मतलब अंडर रूट, पावर नेगेटिव है नीचे जाके पॉजिटिव। यहाँ से ये आपको एक्सप्रेशन मिल गई और आपको पता है के की वैल्यू कितनी गिवन है, वन। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज अंडर रूट पी बाई रो। बेटा ताजुब की बात करोगे, ये एक्सप्रेशन हम जाके कहाँ निकालेंगे? वेव्स वाले चैप्टर में। ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, पी बाई रो साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करा था। हालांकि गलत है फॉर्मूला, इनकरेक्ट रिजल्ट मिला था, लेकिन फिर भी न्यूटन ने काफ़ी हद तक हमें साउंड की स्पीड के बारे में बता दिया था। तो देखिए, हमने इस चैप्टर के अंदर कहाँ से शुरू किया था? यूनिट्स से। फिर हमने बेसिक यूनिट्स की बात करी, फिर हमने डिराइव्ड यूनिट्स की बात करी, फिर डिराइव्ड के बाद हम डायमेंशनल फार्मूला निकाले डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ के। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के बाद हमने उनकी एप्लीकेशन पढ़ी। बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इनके क्वेश्चन निकालिए। एस सी वर्मा बुक लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के नाम से आपको चैप्टर मिलेगा। उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम्पल 8 से 10, आप उनको सॉल्व आउट कीजिए। अगली क्लास में हम मिलेंगे मेजरमेंट और एरर के साथ, तो उस चैप्टर पे भी आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।